चलिए, ये तो पहला सवाल आप लोग के सामने है, ठीक है? एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। चलिए देखिए, यदि जेएसएससी एक्सेप्ट करेगी तब ना, है ना? यदि जेएसएससी एक्सेप्ट करेगी कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो ये पहले से ही तो बोल रखा है कि सरकार और जेएसएससी कि हम, है ना, एक्सेप्ट करने ही वाले नहीं हैं, या फिर एग्जाम कैंसिल हो नहीं होगा, ये ठान करके चलिए। चलिए खैर, सवाल पे हम लोग बात करते हैं, है ना? पहला सवाल आपके पास क्या है कि एक ट्रेन सामान्य रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है? एक निश्चित दूरी तय करती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक ट्रेन है, ठीक है? यह अपनी सामान्य चाल से एक निश्चित दूरी पर तय करती है। हालांकि यह प्रत्येक घंटे एक प्रत्येक एक निश्चित समय अंतराल के लिए रुकती है, तो इसकी औसत गति कितना है आपका? 50 किलोमीटर पर आवर है, अथवा औसत गति कम तक कम हो जाती है यदि प्रत्येक घंटे के लिए ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है। देखिए, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचना है, ठीक है? और इसकी औसत गति इतना दे रखा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि औसत गति 50 किलोमीटर तक कम हो जाती है, और यह कितने समय तक रुका, मतलब रुक रुक के ट्रेन चलती है, ठीक है? हाँ, 21 सितंबर का है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एक तो ट्रिक से यदि इसको बात करें, ट्रिक से तो ट्रिक हम लोग का क्या हो जाएगा, फास्ट स्पीड, ठीक है? फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड डिवाइडेड बाय फास्ट स्पीड और इनटू 60, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो ये हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं आराम से। फास्ट हमारा कितना होगा, 60 किलोमीटर, और स्लो कितना होगा आपका, तो 50 किलोमीटर। तो 60 माइनस 50 बट्टा 60 इंटू 60, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, तो 10, ठीक है? तो 10 मिनट। लेकिन दूसरा तरीका से हम लोग देखें, ये हम लोग का ट्रिक था। यदि हम लोग दूसरे तरीका से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड हम लोग का रेशियो जो है, स्पीड का रेशियो, ठीक है? तो एक हम लोग का क्या दे रखा है यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड, ऐसे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो पहला हम लोग का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा हम लोग का कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 6:5 आएगा, और ये हम लोग का क्या है, स्पीड है। यदि टाइम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अपने आप को हाइड कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 5:2 क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी वही चीज आएगा, ठीक है? जैसे 1/6 था is to 1/5 था, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5:6 ही आएगा आपका। कितना आएगा, 5:6 आएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि टाइम कितना से कितना लगा है, 1 घंटे का अंतर है। कितना का घंटा अंतर है, तो 1 घंटे का अंतर है, ठीक है? तो 6 घंटे में हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे देख लीजिए, कि देखिए यहाँ पे कि 6 घंटे, 6 घंटे पहले था 5 घंटा, इसके बाद कितना हो गया, 6 घंटा। तो 6 घंटे का हम लोग कितना आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है, ठीक है? 1 घंटा आ रहा है, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 60 से गुना करना पड़ेगा। और 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 52 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए कि एक खुदरा विक्रेता के पास कितना है एन पत्थर है,
और इन पत्थरों को संतुलन के दोनों ओर रखते हुए 1 किलो से 121 किलो तक की सभी मात्राओं को माप सकता है केवल पूर्णांक में, तो n का न्यूनतम मान कितना होगा? ठीक है, जो बटखरा होता है ना, ऐसे आप लोग का जो बटखरा होता है ना, मेजर करने वाला, तो ये चीज पूछ रखा है कि कितने किलो हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना इसका यूनिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि 1 किलो, 1 किलो का हो सकता है, 3 किलो का हो सकता है, 9 किलो का हो सकता है, 27 किलो का हो सकता है और 81 किलो का हो सकता है। ठीक है, हमको कितना लाना है? तो 121 किलो बनाना है, 121 केजी हमें बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा क्यों लिया? क्योंकि एक एक सीरीज आ रहा है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4, एक सीरीज बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो बटखरा होगा 1 किलो का, 3 किलो का, 9 किलो का, 27 किलो का और 81 किलो का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हमसे यहाँ पे 4 किलो पूछता तो 3 और 1 4 किलो का बन जाता हम लोग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 1 किलो को भी यूज कर रहा है, 1 किलो से 121 किलो तक आपको बनाना है। यदि हमसे ये तीनों बटखरा को पूछता तो कितना हो जाता? 9 और 1 10 13 केजी हो जाता। फिर यदि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 27 को, 27 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 40 किलो का बटखरा हो जाता है यहाँ पे। और इसको हम लोग लेंगे 81 को, तो 40 में 80 को जोड़ देंगे तो 121 केजी का बटखरा हो जाएगा। ठीक है, 121 केजी का बटखरा हो जाएगा। तो अब कितना बटखरा को यूज किया गया है? तो 1 2 3 4 5, है ना। तो न्यूनतम मान पूछा है, अधिकतम तो हम लोग 1 किलो का भी यूज कर सकते हैं, 121 किलो। ठीक है, हाँ न्यूनतम पूछा है, इसलिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जाम में बहुत धांधली हुआ है। चलिए, आप लोग को न्यूज पहुंच ही गई है ना कि किस तरह से कोई पेपर लीक होता है और सरकार चूक मार देती है ना, और JSSC एक्सेप्ट करती नहीं है। चलिए, कोई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका यदि ऑप्शन में यहाँ पे 1 से 121 किलो, 121 किलो दिया है ना, यहाँ पे यदि आपका 4 किलो देता तो 2 बटखरा यूज करते, 3 किलो दे ये 13 किलो यहाँ पे देता तो हम लोग कितना बटखरा? 1 2 3 बटखरा यूज करते। 40 किलो यहाँ पे देता आपको, 40 किलो सवाल में देता तो हम लोग कितना बटखरा यूज करते? 4, और 121 किया है तो हम लोग 5 बटखरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम, अधिक से अधिक कितना बटखरा यूज कर सकते हैं? 121 बटखरा। क्यों? क्योंकि 1 किलो का हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। देखिए, ये सवाल हम लोग किए हुए थे मैराथन क्लास में। ठीक है, हाँ तरीका चेंज कर दिया है, लेकिन जो हम लोग का डिजिट है वही सेम था कि कौन बड़ा होगा, इसमें से कौन बड़ा होगा, बड़ा छोटा का हम लोग कंपेयर किए थे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। क्या पहले में बोला गया है कि 33 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 33 है, तो 33 को हम लोग क्या 11 × 3 लिख सकते हैं, 11 × 33? तो ये स्टेटमेंट 1 है, 33 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 11 के पावर 3 है ना। 3 को हम लोग कितना बार, 33 बार लिख रहे हैं और 33 को हम लोग 3 बार लिख रहे हैं, तो कौन ये सही है? तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे भी करके देख सकते हैं आप कि 33 को 3 बार आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 बार, और 3 को कितना बार, तो 3 को आप कितना बार, तो 33 बार लिख सकते हैं। तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें गलत बता रहा है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है?
दूसरा बोल रखा है कि 333 है ना, 333 बड़ा है किससे, तो 3 के पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 3 9 हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि 3 के पावर 4 करते हैं तो 81 आ जाता है ना। तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों यहाँ पे गलत है। यहाँ पे पूछा है सत्य कौन सा है, तो ना ही तो ए है, तो 1 है, और ना ही 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल के चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट वही था, फॉर्मूला वही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड का वैल्यू 35 दे रखा है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का या फिर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। हम इसको फार्मूला में, ये इसका स्क्वायरिंग हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि 2 x² प्लस y² प्लस z², ऐसा क्यों किया, डबल डबल यहाँ पे आएगा, y भी डबल है, z भी डबल है, x भी डबल है, फिर आपका माइनस में होगा -2xy -yz -xz, डबल डबल में होगा, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो xy प्लस yz प्लस xz या zx। तो ये चीजें हैं, तो ये हमें पता है, ये यदि हम लोग निकाल लेते हैं है ना, तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब ये कहाँ से निकलेगा, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 x y प्लस yz प्लस xz। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर, तो ये कितना दे रखा है, 22, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 484 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें पता है कितना है, तो 35 है, तो 35 को डबल करेंगे तो 70 होगा, 70 हम माइनस कर देंगे इसमें है ना, तो ये हमारा x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2 x इतना का वैल्यू क्या देगा, अब 70 घटा देंगे तो 414 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे कितना, तो 35 × 70, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 828 में 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, 70 चला जाएगा कितना, 700 के लगभग, तो 700 के लगभग ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, है ना, 8 लास्ट में आ रहा है, 8, तो 8 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चले तो ध्यान देंगे, हाँ सवाल पे ध्यान दीजिए, अब देखा जाएगा क्या होगा सो आगे, ठीक है। हाँ जो भी करेगा न्यूज या मीडिया वाले ही करेंगे सही से, ठीक है। आप लोग बस हर चीज में रेडी रहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होते हैं, ठीक है, सेकेंड होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है, और एक्स दिन, तो एक दिन में कितना दिन, एक कितना घंटा, तो 24 घंटा। फिर यहाँ पे एक मिनट में कितना, तो 60 सेकेंड, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना, तो 60 सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ये लिखे हैं, आपका डेज लिखे हैं, ये आवर है, ये मिनट है आपका, और ये आपका सेकेंड है, ठीक है।
तो ये केवल किसका हुआ, तो एक्स का, एक्स सप्ताह का हम लोग निकालें, उसी तरह दिन का निकालेंगे, घंटा का, मिनट का और सेकंड का निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्स इंटू कितना, तो 7 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, दिन के बारे में पूछ रखा है, तो एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड, फिर अब इसका काम हो गया, फिर घंटे में तो 24 घंटे, ये 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट और 60 सेकेंड, फिर एक्स 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड, और लास्ट में क्या दे रखा है, एक्स सेकेंड, तो एक्स सेकेंड हो गया। ये हमारा टोटल आ गया है, ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। ठीक है, ये आपका मिनट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड है, और यहाँ पे सेकेंड दे रखा था सिंगल में, एक्स सेकेंड। सबको जोड़ने बोल रखा है, सबको ऐड करने बोला है ना, सबको ऐड करने बोला है यहाँ पे। तो हम यूनिट डिजिट का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, कि यूनिट डिजिट से जब हम जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, एक्स आएगा लास्ट में, यानी कि 1 है ना, 1 है यहाँ पे, 1x, तो 1 आएगा आपका यूनिट डिजिट। तो 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट हो गया। क्या 11,000 यहाँ पे 581 है, तो 11,000 आ रहा है, तो 3600, तो 3,000 यही आ रहा है ना, 3,500, और फिर 24 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं, तो यूनिट डिजिट से हम लोग इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, लास्ट में 1 आ रहा है, और डेटा देख रहे हैं कि ये डेटा ज्यादा आ रहा है, 11,000 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाँ सवाल नंबर चलिए 56, या फिर जो बोली ये सवाल नंबर 6 होगा है ना, उसके अनुसार। मैथ्स में 13 सही है ओनली। चलिए यहां पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कि एक बल्लेबाज की 12 पारियों के लिए रनों की एक औसत, निश्चित औसत है। ठीक है, बारी पा ये 12 पारी खेल रहा है, जिसका एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में यह 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 5 रन बढ़ जाता है, तो 13वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, यानी कि 12वीं पारी के बारे में पूछ रखा है, कि 12 पारी का जो औसत होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एवरेज हम लोग निकालेंगे है ना, एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 96 13वीं पारी का है, तो 96, 96 प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x को मान लेते हैं कि औसत है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 12 है ना पारियों का औसत जो होगा वो कितना होगा, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 96, 13 का है, 12 का कितना हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 13 आ जाएगा, 13वीं पारी खेल रहा है तो। और बोल रखा है कि जो औसत है 12 पारियों में वो कितना बढ़ जा रहा है, तो 5 रन बढ़ जा रहा है, तो 5 रन बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 5। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 96 प्लस 12x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x प्लस 13 पचे कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा, तो 13x में 12x चला गया तो x हो गया आपका, और 96 में आपका 65 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, x का वैल्यू 31 आ गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि 13वीं के बाद तो जो 5 रन बढ़ रहे थे वो क्या हो जाएगा आपका, आंसर x प्लस 5 होगा, तो x का वैल्यू 31 है, 5 जोड़ देंगे तो 36 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, मिसप्रिंट है। वन माइनस कॉट थीटा और वन माइनस टेन थीटा, सर जेएसएससी वालों ने है ना क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पे गलती कर दी, या तो ऑप्शन मिस्टेक है या फिर सवाल मिस्टेक है। इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो सवाल होना चाहिए था वो सवाल होना चाहिए था वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस ये वन माइनस कॉट थीटा, ये ऊपर नीचे होना चाहिए था, ठीक है, हाँ तब आंसर आएगा। ये सवाल होना चाहिए था, ये करेक्ट है ऑप्शन के अनुसार, या फिर ऑप्शन गलत है। तो आप लोग जो भी मारे होंगे इसमें देखिए, यदि ग्रेस ग्रे ये ग्रेस मार्क्स मिल जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि वन माइनस कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने देते हैं और वन माइनस टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू होता है वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब यहां से हम लोग वन, अच्छा यहाँ पे एक वन प्लस वन और भी है, यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि वन माइनस कॉट थीटा, इसको एलसीएम लेंगे तो कॉट माइनस वन हो जाएगा और कॉट थीटा नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस वन है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये ऊपर और ये नीचे कट जा रहा है, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट कट गया आपका, यहाँ पे केवल बच रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बच रहा है, माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन। तो वन प्लस कॉट थीटा या कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होता है आपका, तो ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आंसर हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आंसर आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं है। यदि आप इसको वैल्यू को पलट देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस सवाल के अनुसार आपका आंसर जो होगा वो साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए तो ये एक मिस प्रिंट मिला यहाँ पे क्वेश्चन, सबके लिए मिस प्रिंट है। चलिए 58 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे कि किस अनुपात में 60 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 42 रुपये प्रति वाली चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 56 रुपये प्रति किलो बेचने पर 12% का लाभ हो। कितना का लाभ हो, तो 12% का लाभ हो। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ये क्या बोल रखा है कि 60 रुपये और 42 रुपया, ठीक है, तो सीपी और एसपी हम लोग देख सकते हैं 12%, ठीक है, तो सीपी यदि हम लोग 100% लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 112%। अब यहाँ पे हम मिश्रण यदि निकालते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100/12 112 और गुने 56, क्योंकि 56 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर हो रहा है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं है ना, 56 × 112 और 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। अब मिश्रण का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको नहीं भी लगाते तो चलता है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, 60 है और कितना है आपका 42 है, ये कितना आ रहा है मिश्रण, 50 आ रहा है, रेशियो पूछ रखा है, तो ये इसमें कितना आएगा, 50 में 42 को घटाएंगे तो 8 और 60 में 50 को घटाएंगे तो 10, तो 8:10 आने की 4:5 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे
अन्ना ने, है ना, अन्ना ने अपनी कार बन्ना को, ठीक है, अन्ना ने अपनी कार बन्ना को 20% के लाभ पर बेचा। बन्ना ने चन्ना को, ठीक है, कैसा कैसा नाम दे रखा है सब ध्यान देंगे यहाँ पे, चन्ना को 10% के लाभ पर बेचा, और चन्ना ने मन्ना को, है ना, 9.09% की हानि पर बेचा। अब मन्ना ने अपनी खरीद मूल्य पर 10% खर्च किया, मतलब उसको नुकसान हुआ 10% का, तो अन्ना को फिर से 8.33% के लाभ पर बेच दिया, तो अन्ना का नुकसान क्या है? ठीक है ना, अन्ना पे, अन्ना को क्या नुकसान हुआ? मतलब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अन्ना हो गया ये, है ना, और कौन है, बन्ना, तो बन्ना हो गया, और कौन है, चन्ना ना, और आपका है, चन्ना ने किसको बेचा है, मन्ना को, मन्ना को। देखिए यहाँ पे सब एक दूसरे को भी यहाँ पे बेच रखा है, ठीक है, तो अन्ना ने कितना, तो 20% लाभ पर बेचा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 120 रुपया, ठीक है, इसका ये कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अन्ना का हम लोग यदि 100 रुपये मानते हैं, तो बन्ना को कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा बन्ना का। चन्ना का कितना हो जाएगा, तो चन्ना का 10% लाभ पर बेच रहा है यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि 110 बट्टा 100 गुने 120, 120 का 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से दो जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 गुने, यानी कि 132 हो गया। अब फिर मन्ना को क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा, और चन्ना ने मन्ना को, है ना, चन्ना ने मन्ना को 9 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे 9.09% आपका ये है क्या, तो 1/11% है, 1/11%, ठीक है, 1/11 है ये, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 132 का, 132 का कितना हो जाएगा आप, आपका यहाँ पे 10% का यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, तो 10/11 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आपका 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अन्ना ने बन्ना को 120 रुपये, 100 रुपये में ये खरीदा था, तो 120 रुपये में बेचा। बन्ना ने चन्ना को 120 रुपये में बन्ना ने खरीदा, और चन्ना को 132 में बेचा, और चन्ना ने 132 में खरीदा, इसको नुकसान झेलना पड़ा 10% का, तो 120 रुपये में मन्ना को बेच दिया। अब यहाँ पे बोल रखा है कि मन्ना ने अपनी खरीद मूल्य पर 10% खर्च किया है। अब 10% इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, चले यहाँ पे हम ढक देते हैं। अब 10% क्या हो जाएगा उसका, जुड़ जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 120 आ गया, अब 10% हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 132, क्योंकि स्पेस नहीं है, यहाँ पे 132 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे 120 लिख देते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 132 है ये, और ये आपका 120 है। अब 120 में हम लोग का जुड़ जाएगा ना कितना, तो 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट निकालेंगे, 120 का 10% का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 10/100, तो 1 0 से 1 0 आपका हो जाएगा 120, दस परसेंट, देखिए यहाँ पे नुकसान हुआ था यहाँ पे 10% का, ये एक, हाँ, 11%, 9% का,
तो इसमें जब हम बढ़ाएंगे कि 120 में प्लस 120 का कितना, तो 10%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 120 प्लस यहाँ पे आपका 12, तो 132, 132 फिर से यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा 132 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% वो खर्च किया था, 10% वो खर्च किया था, ठीक है, मन्ना ने, 132 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 132 में ये क्या बोल रहा है कि अन्ना को फिर से 8.33% का लाभ पर बेचा गया। अब देखिए अब फिर से लाभ कमा रहा है कितना, तो 8.33, तो 8.33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/12 लिख सकते हैं, तो 1/12 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका एसपी में फिर से हम लोग का जुड़ेगा कितना, तो 8.33% आने की 1/12, तो 1/12 जोड़ देंगे 132 में, 132 में 132 का 12 11, तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो 143 यहाँ पे आएगा। ये पूरा कहानी है ना, कि ये सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा अन्ना का, तो अन्ना का सेलिंग प्राइस बनेगा 120, ये तिरछा जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो 132। इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो 120, है ना। तो इस तरह से क्या पूछा था यहाँ पे लास्ट में, कि अन्ना का नुकसान क्या है ना, जब किसको, तो अन्ना ने अन्ना को फिर से बेचा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 120 143 कितना का नुकसान हुआ है इसमें, तो 23 का नुकसान हुआ है। तो किस पर, तो 100 पर, तो 100% निकालेंगे यानी कि 23% का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है उसको, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख, हो गया यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा घुमावदार सवाल था, बस जो काम किया है ये मन्ना और अन्ना के बीच, ठीक है। चले तो 23% आप यहां से भी ऐसे निकाल सकते थे। जैसे लॉस कितना का हुआ, तो लॉस हुआ है 23 का, किस पर, तो 100 पर, 100 पर और गुने 100%, तो 100 से 100 कट गया, 23% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वही चीज। चलिए अगले सवाल के चलते हैं, सवाल नंबर 60। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं कि एक आपके पास क्या है, घन है, एक आपके पास ये घन है, और इसमें बोला गया है कि लंबवृत्तीय बेलन, तो लंबवृत्तीय बेलन इस तरह से बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लंबवृत्तीय बेलन बनेगा। ये काट करके निकाला जाता है, बची हुई सामग्री का घन के आयतन का कितना प्रतिशत है। देखिए शेष पार्ट जो बचेगा उसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका वॉल्यूम जानते हैं, कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसको मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ है नहीं डेटा, तो इसको हम लोग 2a मान लेते हैं साइड, तो ये हो जाएगा रेडियस हम लोग का, ए हो जाएगा, तो 2a माने हैं, तो 2a का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, ये हमारा 8 का ए क्यू हो गया आपका। फिर से वॉल्यूम ऑफ किसका निकालेंगे, तो सिलेंडर का निकालेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है हम लोग का, तो 2a है, 2a हो जाएगा एच, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकालने से अच्छा है क्या हम लोग यहाँ पे कि दोनों का रेशियो यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 22/7, तो 22 × 44/7, और ये हो जाएगा ए का क्यूब। अब दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, V1 और V2 का रेशियो यदि हम लोग यहाँ पे देखें, तो 8 का होल क्यूब
और एज टू हो जाएगा 44/7 का ए क्यू, ए क्यू से ए क्यू यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। रेशियो में लेने का रीजन क्या था, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज रेशियो में लेंगे तो आसान हो जाएगा। 8 * 56 में 56 में 44 चला जाएगा, है ना, 56 में 44 चला जाएगा, रेशियो है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 आपका, और ये हो जाएगा 1। तो 12 यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, ये आ रहा है दोनों का डिफरेंस। टोटल कितना है, टोटल ये वाला है पार्ट आपका 8 का, ये 56, ये ऐसे लीजिए 56 है, तो टोटल आपका हो जाएगा 56 * कितना परसेंट, 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप परसेंटेज निकाल दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 * 3 = 12 हो जाएगा, और ये 13 * 6 = 52 हो गया। 1/3, 1/13, तो 1/14 हो जाएगा, तो 1/14 कितना हो जाएगा, 14 * 6 = 56 और 4 * 3 = 12, तो 1/14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/14% को हम गुना कर रहे हैं किससे, तो 3 से। ठीक है, तो 1/14 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 * 3 कितना हो जाएगा, 21 पॉइंट के लगभग होगा, यानी कि 21% आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट, देखिए आप ही 61, सवाल नंबर 61 देखेंगे कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और नए शंकु के आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो, तो मूल शंकु की ऊंचाई नए शंकु की ऊंचाई से कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि वॉल्यूम आप निकाल दीजिए, V1 = V2, V1 क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h, है ना, तो h1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, आधार की त्रिज्या को डबल कर रहे हैं अब, तो 1/3 πr² यानी कि 2r² और इंटू क्या हो जाएगा, h2, दोनों का हम लोग का ये पुराना है ये नया है दोनों का, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगा, r² कट जाएगा यहाँ पे, तो h1/h2 आपका जो होगा 2 * 2 = 4, और अच्छा 1 मिनट, कितना गुना है, नए एक शंकु का आयतन का 3 गुना है, तो 3 गुना यहाँ पे हम लोग यह डालना भूल गए कि 3 गुना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 गुना, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 पूर्णांक, है ना, 4 * 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, V1/V2, ये 1/3 रेशियो से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका डाल देते, 1/3 πr² h1 और 1/3 πr² h2, है ना, 2r² 1/3, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 62 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे कि 8,400 रुपये की एक निवेश राशि एक निश्चित समय में, है ना, 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है ना, तो 9,600 रुपये राशि वाली समान दर पर दर रेट क्या रहेगा, उसका बराबर रहेगा, सेम रहेगा, और समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे आपको पहले ऊपर में क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज की दर इतना दिया हुआ है, समय निकालना पड़ेगा, तो टाइम निकालेंगे हम ऊपर वाले में, है ना, तो सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा है 11,046 और प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 8,400, दोनों को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
26, 46, ठीक है, 6 हो गया, 6 हो गया, 46 हो गया, और 110 में 84 घटाया तो 26, तो ये हमारा क्या आ गया, एस आई आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे कि एस आई हमारे पास इतना है, पी आर टी, पी हमारे पास 8400 है, आर हमारे पास है 8.75, टी हमें पता नहीं है, और बट्टा 100, इसको हटाएंगे तो 1 0, 2 0 और आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 25 से, तो 25 दिया यहाँ पे 75, और 25 पचे 125, फिर 25 चक 100 हो गया यहाँ पे, 4 दुना 8, 4 एकम 4, 4 से कट गया, तो टाइम जो यहाँ पे निकला हम लोग का वो टाइम, अच्छा ये और भी कट जाएगा, 21 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में, अच्छा 7, 21 से काटेंगे तो एक बार में यहाँ पे 5 हो गया, तो ये क्या यहाँ पे आपका 54 हो गया ना, तो 54 हो गया तो 42 हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, यहाँ पे 7 से ही काट लीजिए, थ्री से काटेंगे तो ये 7 बार में, और ये 7 तिया 21 हो जाएगा, सॉरी 8 तिया 24 हो जाएगा, फिर 8 तिया 24, और 3 दुना 6, फिर ये 7 से आपका कट रहा है, सात एकम 7 हो गया, और 7 दुना 14, 7 छक 42, ठीक है, 7 से कट गया। यहाँ पे देखिए आपका टाइम जो आ रहा है 126/35 आ रहा है, फिर 7 से कट रहा है, तो 7 7 एकम 7 हो गया, 7 8 56, और 7 5 35, तो 18/5 आपका क्या जा रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है। अब देखिए ये पुराना टाइम है, अब नया आपको क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो नया साधारण ब्याज हम लोग निकालेंगे, फिर से एसआई निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी आर टी, पी कितना हो जाएगा आपका 9600, तो 9600 आपका पी है, आर आपके पास है 8.75, और टी हम लोग निकाल करके रखे हैं 18/5, और बट्टा क्या होता है 100, फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर 100, चलिए, और ये हम लोग का सही आंसर आएगा, है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग काटे थे तो 35, ये आपका 4 बार में कटा था, फिर यहाँ से 4 दुना 8, 4 6 16 हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, चलिए यहाँ पे ढक देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 24 × 7 × 18, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं, 7 चौक 28 का 8, 8 चौक 32, सॉरी 8 7 56 का 6, 6 6 6 6 24 का 4, तो लास्ट में 4 कहाँ पे है, तो लास्ट में 4 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 63, क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका दे रखा है, एचसीएफ आपका दे रखा है कितना, 21 दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुना दे रखा है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दे रखा है आपको कितना, तो 221 दे रखा है। देखिए हम जानते हैं कि ये एलसीएम है, एचसीएफ है, ठीक है, और दो नंबर हम लोग मानेंगे, जैसे यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं दो नंबर हम लोग मानते हैं यहाँ पे ए और बी, तो ए मानते हैं तो 21x, और बी मानेंगे तो 21y, क्योंकि अलग अलग मल्टीपल होगा यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों नंबर का यहाँ पे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए बी होता है, ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x × 21y इज इक्वल टू 21 × दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,
21 into 21, तो 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई का जो मल्टीपल हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 2 to 1 आ जाएगा। अब ये किसका फैक्टर आता है, तो ये 13 और 17 का फैक्टर आता है। तो एक्स का वैल्यू आपका 13 है और वाई का वैल्यू आपका क्या है, 17 है, ठीक है। तो इसको हम लोग को 21 से गुना करना पड़ेगा, ए नंबर निकालेंगे तो 21 × 13 और बी नंबर हम लोग निकालेंगे तो 21 × 17। अब इसमें से क्या बोला है कि 200 और 300 के बीच दूसरी संख्या के अंकों का योग, तो दूसरा संख्या क्या है आपका, ये वाला है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 26 और 1 = 27 और ये हो जाएगा 17 × 34 और 1 = 35। आपका दूसरा नंबर क्या है, ये है, तो इसके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग बताना है, 7, 5, 12 और 3 15, तो 15 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है यहाँ पे कि एक आपके पास क्या है, ट्रायंगल है और ये इन सेंटर दे रखा है आपको, आई दे रखा है कितना, तो 107 और ये पी क्यू आर। तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल क्यू आई आर जो होता है वो 90 प्लस एंगल पी बट्टा 2 होता है। तो ये आपका 107 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री हो गया, और एंगल पी आपसे पूछा है तो एंगल पी बाई 2, 107 में 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, और एंगल पी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 34 आने की 34 डिग्री। तो 34 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ये सी में है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है कि एक वृत्त की जीवा है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, तो एक वृत्त है आपका और इसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो पी पी पॉइंट पे जा करके मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ये सी डी, अच्छा डी सी यहाँ पे दिया है, देखिए ये है ना, कभी कभी यहाँ पे देख लेना है आपको कि डी सी दिया है या सी डी दिया है, तो डी और सी आपसे यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, पी सी का वैल्यू, पी सी का वैल्यू 5.6, पी बी का वैल्यू, पी बी का वैल्यू 6.3, ए बी का वैल्यू 7.7 और आपसे सी डी का वैल्यू पूछा है, सी डी का वैल्यू एक्स मान लेते हैं, सी डी का वैल्यू एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी बराबर होता है पी डी इंटू सी पी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि ए पी इंटू पी बी और पी डी इंटू सी पी, तो सब कुछ यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए पी क्या दे रखा है, ए पी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 7.7 प्लस करेंगे 6.3 तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 6 × 7 = 13, 1 = 14, तो ये 14 हो जाएगा हम लोग का। पी बी कितना हो जाएगा, पी बी दे रखा है 6.3 दे रखा है इज इक्वल टू, पी डी कितना हो जाएगा, तो पी डी हो जाएगा x प्लस 5.6 और इंटू सी पी कितना हो जाएगा, तो 5.6 हो जाएगा, ठीक है 5.6 हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हम लोग काट सकते हैं, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, है ना, या फिर 14 × 56 कर सकते थे, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा और 2 × 8। यहाँ पे x प्लस 5.6 इज इक्वल टू 9 × 63 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 15 × 60 हो जाएगा और 7 × 28 और 7 × 5 यानी कि 15.75 और x का वैल्यू निकालेंगे तो 15.75 में माइनस हो जाएगा 5.6, तो 5.6 को माइनस करेंगे
ये 15 में हम लोग 5 को घटा रहे हैं तो 10 के लगभग आ रहा है, तो 10.515 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, 10.15 आपका। ऑप्शन भी देखते जाना है आपको कि ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। यहाँ पे घटाने से ज्यादा अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर सवाल देखेंगे, यानी कि 16। दो टावरों पी और क्यू, ठीक है, तो दो टावर है आपका, एक पी है और एक आपका क्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये 30 डिग्री बीच में बनाता है, ये 60 डिग्री आपका बनाता है, तो ये 30 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ऊपर वाला ये 30 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला वैल्यू 1, 60 के सामने वाला वैल्यू √3। ठीक है, 60 के सामने वाला वैल्यू √3 और 30 के सामने वाला वैल्यू आपका 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बराबर बोला है कि मध्य है ना, मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु बोला है और दोनों का हाइट पूछा है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको भी √3 बना देंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो H1 और ये हमारा H2, तो H1:H2 क्या हो जाएगा आपका, 1:3 हो जाएगा। तो 1:3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 67। 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन से भरा भरा है, यदि इसमें से है ना 15,400 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो बर्तन में पानी के स्तर की गिरावट कितनी आएगी। हाइट पूछ रखा है, सिंपल सा है ना, कि एक बेलनाकार बर्तन है और बेलनाकार बर्तन में इसका हाइट पूछ रखा है कि इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको। चलिए तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या जानते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच जानते हैं, और ये हम लोग को दे रखा है कितना, तो 15,400। एक मिनट देखेंगे यहाँ पे कि ये मीटर में दे रखा है और ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है, ये लीटर में दे रखा है, तो लीटर वाले को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, रेडियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, तो 1000 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी कि 350 × 350, और एच आपसे पूछा है तो एच आप निकालेंगे यहाँ पे, 154 पे कितना जीरो, तो 2 और इधर 3 जीरो, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो कर सकते हैं। ठीक है, 7 से कर सकते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 110 × 35 गुने एच इज इक्वल टू 1000। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो एच का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक 154 यहाँ पे छोड़ दिया, 11 से इसको काट सकते हैं, तो 11 × 11 11 × 44 हो जाएगा आपका। चलिए 7 से काट सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14। 5 से काट सकते हैं इसको, 5 × 2 = 10, तो हाइट जो हमारा हो जाएगा वो 20 × 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 रखा है कि एक आदमी अपने घर से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 10 मिनट में देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 18 मिनट देर से अपने ऑफिस पहुंचता है,
उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? देखिए यहाँ पे एक बोला है 30 किलोमीटर पर आवर और एक बोला है कितना, तो 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, दो यहाँ पे है, ठीक है, दो सिचुएशन है यहाँ पे। तो डिस्टेंस यहाँ पे पूछा है, तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि S1 into S2 डिवाइडेड बाय S1 minus S2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, और इनटू इनटू डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 मिनट लेट से पहुंचता है और यहाँ पे 18 मिनट, तो 10 में 18 में 8, 10 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये मिनट में दे रखा है, आवर में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा S1 कितना है, तो 30 है गुने 24 हो जाएगा, ये S1 है और ये S2 है, फिर 30 में हम 24 को घटा देंगे, फिर 8/60 कितना हो जाएगा आपका, तो 30 × 24/6 गुने 8/60, 1 0 से 1 0, 3 × 6, 6 × 24, 8 × 32 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल, कि एक समूह के लोग 4 दिनों में एक काम करने का फैसला करते हैं, लेकिन चूंकि हर दिन 20 आदमी बाहर हो जाते हैं, इसलिए 7वें दिन पूरा हो गया तो शुरू में कितने आदमी थे, है ना, शुरू में कितने आदमी थे, ये तो हम लोग टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो X × 4 कितने आदमी, जितना आदमी रहेगा उतना और 4 दिन काम करेगा उतना, ये टोटल काम हो गया हम लोग का, ठीक है। अब टोटल काम हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन 20 आदमी बाहर हो रहा है वो, है ना, तो हर दिन 20 आदमी को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स मानते हैं और एक्स में हम लोग 20 को बाहर कर दिए, फिर दूसरे केस में फिर एक्स में हम लोग 20 को बाहर किए तो 40 हो जाएगा, फिर एक्स में हम लोग 20 को बाहर करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर एक्स में हम लोग 20 को बाहर करेंगे तो 80 हो जाएगा, और फिर 20 को बाहर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर हम लोग 20 को बाहर करेंगे तो 120 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 4x दिया हुआ है, यानी कि X × 4, ठीक है, 7वें दिन बोला है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां दिन हम लोग का हो जाएगा, ये 7th डे हो जाएगा और ये 1st डे, ठीक है, यहाँ पे तो 7x हो जाएगा हम लोग का टोटल, और माइनस करेंगे, माइनस हम लोग को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 है, 100 है, 80 है ना, तो 120 और 80, 200, 300, 400 और यहाँ पे आपका 20, तो 420 आपका हो जा रहा है, यहाँ पे 420 बराबर क्या है, 4x, तो 7x में 4x चला गया, तो 3x, 3x का वैल्यू 420 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140, 14 × 42, तो 140 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 70, हर दिन एक आम विक्रेता अपना आधा आधा स्टॉक बेचता है, 10% स्टॉक रात भर में खराब हो जाता है, 1983 आम 3 रातों में सड़ गए, तो पहले दिन कितने शुरुआत की थी, है ना, कितने आम से शुरुआत की थी पहले दिन। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं, यदि ठीक है फर्स्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 10% यहाँ पे हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आधा दर्जन, ठीक है, आधा दर्जन कितना है, सॉरी आधा हो गया 10% में, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 1/ कितना हो जाएगा, 20। अब कितने दिन, तो 3 रातों तक, 3 रातों तक, तो हम लोग क्यूब कर देते हैं और यहाँ से हम लोग ओरिजिनल निकाल लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, तो 8000 हम लोग का ये मान लेते हैं कि 8000 हम लोग के पास आम था, ठीक है, इसमें से आधा को वेस्ट कर दिया तो कितना बचा, 4000 बचा। अब 4000 में देखिए यहाँ पे 4000 में क्या बोल रहा है कि फिर इसका 10% खराब हो जाता है स्टॉक में,
तो इसका जब 10% खराब हो जाएगा, 10% इसका खराब हो जाएगा आपका, है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो आपका बचेगा 400, ठीक है, ये बचेगा आपका 400। उसी तरह यहाँ पे 400 में दूसरा दिन हम लोग क्या करेंगे, 400 में हम लोग, सॉरी यहाँ पे 400 में नहीं, 400 जब खराब हो गया तो कितना होगा, 4000 में 400 खराब हो गया तो आपका ये आ जाएगा 3600, है ना, 4000 में 400 खराब हो गया तो 3600 आ गया, ठीक है। अब 3600 में हम लोग कितने कितना आधा लेंगे तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 10% यहाँ पे हम लोग लॉस करेंगे, 10% इसका लॉस हुआ तो 1800 का आधा कितना हो, ये 1800 का 10% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर एक बार और यहाँ पे 1800 में 180 को घटा देंगे तो 1620 हमारा होगा, और 1620 में हम लोग इसका आधा को घटा देंगे तो 810 हो जाएगा, ठीक है, 810 हो जाएगा। और 810 का फिर से 10% हम लोग निकालेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज हम लोग 400, 180 और 81, ये सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 400, 580 और 81 आपका हो जाएगा 661, और 661 का वैल्यू आपका 1983 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, ये 3 से कट जाएगा, तो 8000 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 × 8000 यानी कि 24000, तो 24000 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब 22 सितंबर वाले को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, तो अभी हम लोग 21 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का उसका एनालाइज किए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे 22 सितंबर वाला, ठीक है, चलिए।